वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1। कल हमने 3.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, आई होप आपके समझ में आया होगा। आज हम 3.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 1। इन द मैट्रिक्स ए, ए मैट्रिक्स गिवन है 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। रो 3 है और कॉलम 4 है। तो मैट्रिक्स ए गिवन है, राइट ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर बताना है इसका। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स है ये बताना है। राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, ये सब एलिमेंट बताने हैं कौन कौन से हैं। तो देखते हैं क्वेश्चंस को। तो गिवन, ये सॉल्यूशन कर रहा हूँ डायरेक्ट में। गिवन ए इक्वल टू दिस, ये दिया था हमने, लिख लिया। फर्स्ट पार्ट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर मैंने आपको क्या बताया था कल, m इंटू एन। एम क्या बताया था, नंबर ऑफ रोज 1, 2, 3, 3 बाई नंबर ऑफ कॉलम्स n 1, 2, 3, 4। बहुत सिंपल। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट होंगे, ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 12 एलिमेंट्स होंगे। बहुत सिंपल है। A13 पहली रो का तीसरा एलिमेंट, पहली रो का तीसरा एलिमेंट 19। A21 दूसरी रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का पहला एलिमेंट। A33 तीसरी रो का थर्ड एलिमेंट। A24 दूसरी रो का फोर्थ एलिमेंट, दूसरी रो का फोर्थ एलिमेंट 12। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। If a matrix has 24 elements, what are the possible orders it can have? What if it has 13 elements? अगर एक एलिमेंट के 24 एलिमेंट्स हैं तो उसके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं? और इसी क्वेश्चन में अगर उसके 13 एलिमेंट्स हैं तो उसके क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं? तो मतलब एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन उसने पूछ लिए। तो देखिएगा बच्चों, पॉसिबल ऑर्डर्स आर 24 हैं तो 24 के फैक्टर्स जो होंगे, 1 × 24 भी 24 होता है, 24 × 1 भी 24 होता है। सेकेंड पा जाओ, 1 से तो हो गया, अब सेकेंड से 2 से, 2 से भी होता है हम डिवाइड। तो 2 × 24, 2 × 12 और 12 × 2, 2 के बाद 3, 3 × 8 और 8 × 3, 3 के बाद 4, 4 × 6 और 6 × 4, 5 से नहीं होता, 6 यहाँ आ गया, 7 से नहीं होता। जब रिपीट होना शुरू हो जाए तो ये कंप्लीट हो गया। रिपीट मतलब 4 तक हमने देख लिया, 5 होता नहीं, 6 जब 4 को रिवर्स करा, 6 यहाँ पहले से आ गया, तो रिपीट होने शुरू हो जाए तो छोड़ दिया जाए। सेकंड पार्ट में क्या था इसका, पार्ट हमने खुद बना लिया, अपना उसने पार्ट दे दिया था, उसने एक ही क्वेश्चन में कहा था। 13 का पूछा तो 13 के फैक्टर्स, तो 13 तो प्राइम नंबर है, तो 1 × 13 और 13 × 1। क्वेश्चन नंबर 3। If matrix has 18 elements, same question, question number 2 की तरह same एकदम, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे same as question number 2। question number 4 देखिए बच्चों, question number 4 ये अच्छा question है। Construct a 2x2 matrix A equal to Aij, general element होता है ये, I मतलब row, J मतलब column, whose elements are given by first part Aij, ये है जनरल एलिमेंट इसने दे दिया, जैसे जनरल टर्म पढ़ी थी ना पहले, तो सेम है, जनरल एलिमेंट इसने दे दिया यहाँ पे। अब हमें इसका क्या बताना है, मैट्रिक्स बनानी है, कितने किस किस उसकी ऑर्डर की, 2x2 ऑर्डर की बनानी है मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन Aij इक्वल टू i प्लस j होल स्क्वायर अपॉन 2। तो मैट्रिक्स जो बनेगी वो 2x2 की बनेगी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स। तो क्या होगी मैट्रिक्स लगभग देखा जाए तो, ए इक्वल टू ये होगी मैट्रिक्स 2x2, मतलब रो भी 2 कॉलम भी 2। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई आपके। अब हमें, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि A11 की वैल्यू निकालनी है, A12 की, A21 की, A22 की। तो A11 की निकालेंगे, A11 मतलब आई भी 1 जे भी 1, तो आई की जगह भी 1 पुट कर दिया और जे की जगह भी 1 पुट कर दिया, सॉल्व किया ये आया A12, I की जगह पे 1 और J की जगह पे 2, I की जगह पे 1, J की जगह पे 2,
सॉल्व किया, ये आया। पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, सभी जानते हैं। ए टू वन, आई की जगह पे टू, जे की जगह पे वन, टू प्लस वन, टू टू, टू प्लस टू, वेरी सिंपल। देयर फोर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या आ गई आपकी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू की। बहुत सिंपल है, इसी के ही दो पार्ट है, दो पार्ट, तीन पार्ट, जितने भी पार्ट हैं, देखते हैं कितने हैं। हाँ, इसके दो पार्ट है, दोनों सेम है। आई अपॉन जे, यहाँ पे आई प्लस जे था, यहाँ पे आई अपॉन जे है, या आई प्लस टू जे है, बस वैल्यू पुट करनी है आपको आई जे की। पहले मैट्रिक्स बना लेना, टू बाई टू की है तो मैट्रिक्स बनाने में प्रॉब्लम कुछ होगी नहीं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कंस्ट्रक्ट आ थ्री बाई फोर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। अब थ्री बाई फोर की मैट्रिक्स बनानी है आपको, पहले टू बाई टू की बनाई थी, अब थ्री बाई फोर की बनेगी। जनरल एलिमेंट दे रखा है, ए आई जे इक्वल टू वन अपॉन टू मॉडुलस माइनस थ्री आई प्लस जे। तो बहुत सिंपल है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट गिवन, क्या गिवन है क्वेश्चन, ये रहा ए आई जे इक्वल टू वन अपॉइंट टू मॉडुलस माइनस थ्री आई प्लस जे। थ्री बाई फोर की मैट्रिक्स बनानी है, तो पहले जनरल मैट्रिक्स हम बना लेंगे। एक लेट ए इक्वल टू थ्री, रो तीन होनी चाहिए, फोर रो फोर होने चाहिए, ठीक है भाई। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट थ्री बाई फोर, तो हमने बना ली। अब हमें क्या निकालना है, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए वन फोर, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए टू फोर, ए थ्री वन, ए थ्री थ्री, थ्री टू, ए थ्री थ्री, ए थ्री फोर। बहुत सिंपल है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे मॉडुलस गिवन है। अब मॉडुलस का यूज़ आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो देख लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। तो मैं एक एक करके सारी वैल्यूज़ यहाँ निकालता हूँ। तो कैसे निकाला है मैंने, ये ए वन वन, आई की जगह पे वन, जे की जगह पे वन, माइनस थ्री वन जा माइनस थ्री, प्लस वन आ गया माइनस टू। तो मॉडुलस क्या करता है बच्चों, मॉडुलस माइनस को प्लस बना देता है। प्लस तो प्लस रह गई, लेकिन अगर माइनस होगा उसे प्लस बना देगा, तो ये माइनस टू बन गया टू, टू से टू कटा वन। बाकी पूरा सिंपल है, वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आपको निकालना है। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है आपके, आप हमेशा मुझे किसी भी टाइम कॉल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कुछ भी कर सकते हैं। तो सेम क्वेश्चन है, सारे वैल्यूज निकाली और यहाँ पे पुट की। सेकंड पार्ट सेम है एकदम। क्वेश्चन नंबर सिक्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसमें हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये गिवन है, ये इक्वल टू ये, तो इसका ऑर्डर चेक करेंगे पहले क्या है, टू बाई टू, टू बाई टू, मतलब इक्वलिटी यहाँ पे लग सकती है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देंगे। इसका पहला एलिमेंट इक्वल टू इसका पहला एलिमेंट, ये आया। रो टू का पहला एलिमेंट इक्वल टू रो टू का पहला एलिमेंट, तो 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 आया, 5 से 5 कटे, जेड की वैल्यू आ गई 2, ठीक। एक्स वाई इक्वल टू किसके होगा बच्चों, 8 के, ए सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट इक्वल टू सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, एक्स वाई होगा 8। अब बस सॉल्व कर लो, बहुत सिंपल है। यहाँ से वाई की वैल्यू निकाली पहले इक्वेशन से, वाई इक्वल टू 6 माइनस 8, वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दी यूजिंग 1, ये पुट की, तो ये बन गया अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आप सभी से आता है, एक बार दे बता देता हूँ मैं भी। 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8, जनरल फॉर्म में बनाया, पहले टर्म माइनस की थी तो प्लस की, पूरे की माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दी, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बन गया प्लस, प्लस बन गया माइनस, माइनस बन गया प्लस, ये बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब वन यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या है, कोफिशिएंट 1, 1 की 8 से मल्टीप्लाई करी, 8, 8 के ऐसे फैक्टर्स जो प्लस करके 6 आए, सबको पता है क्लास 9th 10th सीखता आ रहा है, आप 11th में भी था, प्लस करके 6 आना चाहिए, प्लस करके 6 आना चाहिए 8 के ऐसे फैक्टर्स। तो 8 के हमने फैक्टर करे, 2 4 2 2 2 1, तो ध्यान से देखो 4 प्लस 2
सिक्स माइनस था, ब्रैकेट लगेगा यहाँ पे तो माइनस ब्रैकेट खुला तो माइनस साइन चेंज कर दिया इसने, माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स, यहाँ से कॉमन लिया इस माइनस फोर, ये उठा के यहाँ रख दिया, यहाँ से कॉमन लिया, ये सॉल्व करके एक्स की वैल्यू टू आ गई और फोर आ गई। जब एक्स की वैल्यू टू आई तो हमने पहले ही पुट किया तो वाई की वैल्यू आ गई फोर, और जब वाई की वैल्यू फोर आई एक्स की वैल्यू टू आई तो यहाँ पुट करके इक्वेशन वन में पुट करके वाई मिला और जेड तो जीरो था ही। एक्स अगर फोर था तो x की वैल्यू इक्वेशन मैंने पुट करके y मिला, z तो जीरो था ही, तो आंसर क्या आया हमारा 240 या फिर 420, ये रहा आपका फाइनल आंसर। बच्चों ये अगर नहीं समझ में आता तो ये क्लास 9th क्लास 10th क्लास 11th का टॉपिक है, आप सीख लीजिएगा, फिर भी नहीं आता तो आप मुझसे फ़ोन करके या SMS के थ्रू पूछ सकते हैं। सेकेंड पार्ट बिल्कुल सेम है, ध्यान से देखेंगे। वन वन ये है रो वन रो टू रो थ्री, रो वन रो टू रो थ्री कॉलम मैट्रिक्स है, ध्यान से देखें ये ए के एलिमेंट है बच्चों। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू नाइन हो गया, तीन अननोन है अभी सॉल्व नहीं हो सकता, एक्स प्लस जेड इक्वल टू फाइव हो गया और वाई प्लस जेड इक्वल टू सेवन हो गया। अब हमें इन तीनों को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के आपके पास तीन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एलिमिनेशन एंड सब्सटीट्यूशन, जो आपको बेटर लगे वैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब कैसे करा हमने सॉल्व, अब ध्यान से देखो, इक्वेशन वन ये हो गया आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू नाइन। अब यहाँ पे क्या काम किया, एक्स प्लस जेड की कंप्लीट वैल्यू, एक्स प्लस जेड की कंप्लीट वैल्यू यहाँ पुट करी फाइव, तो एक्स प्लस जेड की जगह पर तो फाइव आ गया, वाई ऐसे का ऐसे ही और 5 यहाँ चला गया, वाई हो गया आपका 4 यूजिंग 2। आई बात समझ, 2 का हमने यूज़ किया, वाई की वैल्यू 4 मिल गई, वाई की वैल्यू आप 3 में पुट करो यहाँ इस जगह, वाई की वैल्यू यहाँ पुट करोगे जेड मिल जाएगा, जेड की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो आपको एक्स मिल जाएगा। वो कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, ये मेरा मेथड है, आप अपने हिसाब से कैसा भी मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हो, वैल्यूज़ आपकी यही आएंगी। जब सारी वैल्यू निकल गई तो लास्ट में लिख दिया आई एक्स इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 4 जेड इक्वल टू 3। आई बात समझ। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल इसी की तरह है, एक बार इसमें भी देख लेते हैं बुक में क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, सेम है, ए बी सी की वैल्यूज हमें निकालनी है, ए माइनस बी ऑर्डर सेम है तो इक्वेट कर दो, ए माइनस बी इक्वल टू माइनस वन, टू ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, ठीक टू आ गई। अब ध्यान से देखो, माइनस भी था यहाँ भी माइनस भी था, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है ही। ये मेथड बेस्ट मेथड है, आप ये यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप कैसे भी मल्टीप्लाई कैसे भी सब्स्टिट्यूट एलिमिनेट क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ भी करें आंसर यही आएगा। तो ए मिल गया आपको, ये ए की वैल्यू आप यहीं कहीं पुट कर दो, वन में पुट कर दो या टू में पुट कर दो, आपको बी मिल जाएगा। सेम काम हमने इन दो में करा, टू ए प्लस सी इक्वल टू फाइव, थ्री सी प्लस डी इक्वल टू थर्टीन, दोनों को एलिमिनेट किया या सब्स्टिट्यूट किया, ए और बी की वैल्यू मुझे पता थी, यहाँ से उठा के मैंने यहाँ वैल्यू पुट करी और ये सॉल्व वॉल्व करके आंसर ये आ गया। ये इट इम्प्लाइज दैट और ये सब मैंने यूज़ कर रखा है, आप इस तरह करना चाहें ऐसे भी कर सकते हैं, ये बेस्ट है, अगर ये बेस्ट और कम टाइम इसमें लगेगा और प्रेजेंटेशन भी इसकी इफेक्टिव होगी, अदरवाइज आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व वॉल्व करके आंसर आ गया, ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू टू, सी इक्वल टू थ्री, डी इक्वल टू फोर, कुछ भी नहीं है, बच्चों वाली मैथमेटिक्स चल रही है। आई बात समझ। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज कम्प्लीट हो जाएगी बच्चों, तीन क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी देखें से। अ मैट्रिक्स इज सेट टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहलाएगी, जब उसको रोज और कॉलम इक्वल होंगे, कल बताया था मैंने, तो जहाँ पे m इक्वल टू n होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लीजिए एक बार पढ़ना चाहें तो, ये दे रखा है स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहलाएगी, जब उसके रोज और कॉलम इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, आपको इक्वेट करना है और सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 जब मैंने इक्वेट किया ये इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू आई माइनस सेवन अपॉन थ्री। अब एक एक्स मुझे यहाँ भी दिखाई दे रहा है इस वाले फोर्थ वाले एलिमेंट में, टू वन में, टू टू में, तो टू माइनस थ्री, टू माइनस थ्री एक्स इक्वल टू मैंने फोर किया, तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस टू अपॉन थ्री। तो एक जगह तो एक्स की वैल्यू आ रही माइनस सेवन अपॉन थ्री, एक जगह एक्स की वैल्यू आ रही माइनस टू अपॉन थ्री, टू वैल्यूज ऑफ एक्स आर नॉट पॉसिबल, देयरफॉर बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन क्या है देख लेते हैं एक बार, बी ऑप्शन नॉट पॉसिबल टू फाइंड, इतना आसान था।
क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। 3x3 की मैट्रिक्स होनी चाहिए, हर एंट्री या तो 0 से हो या 1 से हो। तो इसके लिए आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट 9 होंगे ना बच्चों, क्यों 3x3 9 एलिमेंट होंगे, तो 2 to the power 9। सिंपल सा फॉर्मूला याद करना है, कॉम्पिटिशन में भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो रिक्वायर्ड आंसर जो होगा वो आपका होगा 2 × 2 to the power 9, 512। डायरेक्ट याद कर लो, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। तो आई होप आपको 3.1 समझ में आई होगी, 3.1 के सभी एग्जाम्पल आपके होमवर्क होंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4, एग्जाम्पल नंबर 4 तक आपके होमवर्क होंगे। कल हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 की तरफ, उससे पहले हम कल आपको मल्टीप्लिकेशन समझा देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।